एकता निट नाट्य संस्था की जानिब से आपके बीच में आए हैं हम सब कलाकार जो कि मुंबई से कारवां फाउंडेशन आपको शूट कर रहा है और आपकी इस परेशानी को ये कूड़े की परेशानी को यहाँ पर दिखाएगा और बताएगा। अरे आइए जनाब आइए देखिए तमाशा तमाशा आइए जनाब आइए गीत। चलिए हम प्रस्तुत करते हैं अपना नुक्कड़ नाटक। बच्चों पीछे हटो। अरे रमुआ की अम्मा पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ। अरे कहाँ चली गई? अरे रमुआ की अम्मा को गला फाड़ रहे हो। वो तनी के गिलास पानी पिलाए दो। पानी पिला दो। लो पियो। पानी पिला रही हो या कोई एहसान जता रही हो? एहसान क्या जता रही हूँ और क्या करूँ मैं तुम्हें पानी पिला के? दिन भर मेरे दिन नाक में दम रहता है पता है तुम्हें? अरे नाक में दम करा है, एक बात बताओ ये क्या मैंने अकेले ही सब कुछ करा है? अकेले करा है इसीलिए मैं समझाती थी कि नहीं इतने बच्चे अच्छे नहीं है, लेकिन नहीं हर साल एक हर साल एक हर साल एक बच्चों की फौज लगा दी। अरे वो तो हो गई अब उसमें भाई उसमें कसूरवार तो दोनों ही है। दोनों ही है दोनों ही है। छोड़ो ये बताओ कि ये मुन्नी को अभी दस्त सही ठीक नहीं हुए कि उसको बुखार आ गया? एक बात समझ में नहीं आती कि ये सब बीमारियाँ हमारे यहाँ क्यों रहती हैं? हमारे यहाँ नहीं हमारे मोहल्ले में आसपास सब क्या रहती है? अरे जो कूड़ा पड़ा हुआ है ना कूड़ा, मक्खियाँ भिनकती हैं, बदबू आती है, वही मक्खी खाने पे बैठती है और वही हम लोग खाते हैं। ये बात तो तुम सही कह रही हो। हाँ। इसका इलाज अगर जल्द नहीं करा तो पता नहीं हमारे लिए क्या मुसीबत आ जाए। क्या इलाज करें? अब हम अपना घर तो साफ कर देते हैं और घर का कूड़ा डाल देते हैं बाहर। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा? सोचो सोचो क्या करोगे? आखिर तुमने मेरे लिए किया क्या है? ये मत कहो मैंने क्या किया है। क्या किया है? हाँ। और क्या? अरे एक बात बताओ। हाँ। ये चुन्नी तुम्हारे लिए कौन लाया था? ये मैं अपने मैके से लाई। और ये स्वेटर कौन लाया था? ये भी मैके से लाई। और ये कान की नथनी? ओहो ये भी मैं मैके से ही लाई। ये चूड़ी? ये भी मैके से। ये चप्पल? ये भी मैके। ये बच्चे? बच्चे भी मैके। नहीं तेरे ऊपर पहले से ही शक था। अरे नहीं नहीं सुनो आप मेरी बात को सुनो। ऐसी बात करो इसी मारे देख पोलियो पोलियो इसीलिए बड़ा पीछे इंजेक्शन सुई लगवाने जाती तो तुम कहते तेरे डॉक्टर से अभ्यास संबंध है, जब उसको सुई ना लगी पोलियो की तो पोलियो तो होगा। ये देखो अब तक अंगूठा चूसता है तुमने कुछ भी चूस रो है। हे भगवान इसीलिए मैं कह रही थी इतने बच्चे मत पैदा करो। अरे अपन ने खाया नहीं करो बाबू स्कूल जाने को मना कर रहा है। मैंने इतना ही स्कूल भेजा बच्चों को। बात बता स्कूल जाके ये क्या कर लेंगे? मैंने कुछ करा स्कूल जाके? तुम चिकाया कहाँ तक? पांच मुंह में तो पांच दफा फेल हुए हो। अम्मा डॉक्टर बनेंगे। हाँ देखो अम्मा मुझे भूख लगी है। हाँ भूख लगी है।
दस्तखत होने ही चाहिए। जिलाधिकारी साहब, काफी वर्षों से कूड़ा पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हम लोग कई शिकायतें कर चुके हैं, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। लोग बीमार हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, ठीक है, और आपकी तरफ से कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। हम लोग सारे परेशान हो चुके हैं, थोड़े दिन बाद किसी न किसी की मौत होती है, तो हम ये ज्ञापन देना चाहते हैं आपको। आप ये देखिए, मजिस्ट्रेट साहब, बहुत टाइम हो गया शिकायत करते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, बहुत जल्द ठीक है, तो ये कार्रवाई कब की जाएगी? लगातार इतनी शिकायतें हो गई, इतने वर्षों हो गए, लेकिन आपने कोई संज्ञान नहीं लिया। हम लोग आम रणनीतिक पर बैठने वाले हैं, आम रणनीतिक पर बैठेंगे तो आपकी नौकरी भी जाएगी, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। कोशिश में लगे हैं पूरी तरीके से, नहीं तो कोशिश करते करते हम परेशान हो चुके हैं सारे लोग। हर थोड़े दिन बाद, हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर 10 दिन, 5 दिन बाद किसी ना किसी की मृत्यु हो जाती है बीमारी की वजह से। आए दिन बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, निकलना खाली मुश्किल हो गया है। हम अपने स्तर से जो है कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, हम कार्रवाई तो हो रही है, लगातार हम सुनते आए कार्रवाई, आज तक कोई कार्रवाई, कोई अमल में नहीं लाई गई है कार्रवाई, और हम आपको निश्चित तौर पे बताना चाहते हैं कि सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हैं, आम रंजन करेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा कोऑपरेट करें। आप एसी में रहते हैं, आप एक दिन के लिए आप समय दिए, बाकरगंज खड्ड पर आइए और यहाँ रहिए, तो आपको बदबू का यहाँ का एहसास होगा, यहाँ के बच्चे जो हैं परेशान हैं उसका एहसास होगा, आपके बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, 150 रुपए के मजदूर हैं यहाँ पर, क्या करें ये बताइए। परेशान हो चुके हैं वर्षों से, हम लगातार 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 आपको जागरूक कर रहे हैं, और सरकार का भी समझ में नहीं आता है, कभी कोई सी सरकार आ रही है, कभी कोई सी सरकार आ रही है, कभी कोई सी सरकार आ रही है, हर बार आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन नहीं, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है सर, हम चाहते हैं हमारा काम होना चाहिए। हाँ, इधर बुलाइए क्षेत्र के, आप आइए, आप हर समय यहाँ पर हैं, आइए आप अपनी बताइए। आप बताइए क्या, पूरे शहर में तो कूड़ा पड़ रहा है, यूनियन से आता है त्रिपाल पड़ गए, और यहाँ आके बस्ती के बीच में पड़ रहा है, जब पड़ने की जगह है, कहूँ पड़ने की जगह नहीं, चारों तरफ से बस्ती है, चारों तरफ की बस्ती रह रही है, बताइए कौन से हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए जाएगा। मैं तो खुल के कह रहे हो डॉक्टर तोमर दुनिया में हमें किसी से नहीं, हमारा मेन अधिकार होना चाहिए, हमें इससे मतलब है। आपके नगर आयुक्त साहब इधर देखिए, आपके नगर आयुक्त साहब बार बार कहते रहते हैं, उनके कान पे भी जूनियर कहते रहते हैं कि आज हो जाएगा 2 महीने में। आप एक बात बताइए, अगर आपके बच्चे इस जगह हों और बदबू में, गंदगी में और डायरिया, टीवी, चरम रोग और ये बीमारियां लगे, तो कैसा लगेगा आपको ये बताइए। यहाँ पानी पियो, एक गिलास पी नहीं सकता आदमी। यहाँ के पानी में कीचड़ की बदबू आती है, यहाँ के पानी में कीचड़ की बदबू आती है, और यहाँ पर हमारी जो बहन बेटियां बैठी हुई हैं, जवान जवान बेटियां बैठी हुई हैं, उनके रिश्ते नहीं आते हैं यहाँ पर, सारे लोग यहाँ परेशान हैं। पूरे शहर के कुत्ता, बिल्ली, भैंस जो मरती है सब जाएगा, चील, कौवा सब उड़ते हैं घरों में डाल डाल के, और उसके बाद आप कूड़े में आग लगा रहे हैं, उसमें उस पर कोई ध्यान ही नहीं है, कूड़े में आग लगाई जा रही है। एक तो दमे के मरीज है यहाँ पर, उनकी सांस घुट रही है और उनकी मृत्यु हो रही है, और आपके कान पे कोई जूनी नहीं रंग रही, बहुत जल्द कार्रवाई की है। अरे तो कब की जाएगी कार्रवाई? बहुत जल्द की जाएगी, अगर नहीं हुई भाई बैठेंगे भूख हड़ताल में, चलो बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी, आप लोग जो है सहयोग कीजिए, बहुत जल्द कार्रवाई की, और हमें टाइम दीजिए, कब तक करेंगे इस काम को? बहुत जल्द काम हो रहा है, काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है सर, कभी आप काम चल रहा है, काम चल रहा है, ये एक गड्ढा खुद गया, 15 दिन बाद एक मजदूर आ गया, कोई कुछ नहीं, बस सफाई का कार्य ये चल रहा है, सफाई का कार्य ये चल रहा है कि अभी तक एक बार दवा छिड़कने के लिए मशीनें नहीं आती, आपके झूठे आश्वासन है, आपके सारे अधिकारी आप लोग झूठे, नमस्ते कर रही है, नमस्ते करने की नहीं है, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम।
प्रदूषण बड़ी नगरिया रे फैलिए बीमारिया से हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि इस कूड़े की वजह से कितनी जनता परेशान है। आए दिन बीमारियां फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। तो बस यही हमारी कोशिश, और मैं एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी कारवां फाउंडेशन की जानिब से और समाज सेवा मंच की जानिब से, हम एकता नित्य संस्था के सभी कलाकार, धन्यवाद।